कोई सुनिश्चितता नहीं है कि हम लोग ज्यादा अध्ययन नहीं करेगा। तो 11 बजे ये सत्र शुरू हो रहा है, 1 घंटा 12 बजे पूरा होगा। तो अपने दोनों साथियों से अनुरोध है कि आप अधिकतम 20 मिनट ले सकते हैं, अधिकतम। मैं 17-18 मिनट में आपको एक पर्ची दे दूंगा और मैं बोलने लगूं तो आप ही ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आइए सबसे पहले अनामिका अनु जी। नमस्कार, केरल के तिरुवनंतपुरम से मैं अनामिका अयप्पा पनीकर। कविता जानने का माध्यम है या जाने हुए का प्रकटीकरण नहीं। वह जो सोचता है कि वह जानता है कुछ नहीं, अगर कुछ जानना है तो कुछ लिखा जाएगा। यह उस कवि की पंक्ति है जिसने 1947 में आजादी के जश्न के दौरान अपनी पहली काव्य कृति प्रस्तुत की। 1972 की इमरजेंसी के दौरान जिसने कार्टून कविताएं लिखी। 1984 में साहित्य अकादमी पाया। भाषा अभिमानी जन युग जैसी स्थानीय वामपंथी पत्रिकाओं में जिनकी रचनाएं बहुत कम उम्र से प्रकाशित होती रही और 2000 तक आते आते जिसका सत्ता सम्मोहित राजनीतिक वामपंथ से मुख भंग हो गया। वर्ष 1947 अयप्पा पनीकर की उम्र 17 वर्ष थी। इसी वर्ष उनका पहला काव्य संग्रह आया, पनी नीड फूल, यानी कि वह गुलाब जिससे इत्र निकलता। अयप्पा पनीकर ने अपने जीवन में अपनी कविताओं में लगातार नवाचार किया। यह 20वीं शताब्दी का केरल था। 20वीं शताब्दी के केरल में जिस नगरीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ उसने जीवन और साहित्य दोनों पर गंभीर प्रभाव डाला। जीवन बदल रहा था और जीवन में जो बदलाव किए उसने विविधता के साथ साथ जटिलता भी थी, इसलिए कविता की भाषा और विषयों में विविधता और जटिलता का आ जाना स्वाभाविक ही था। आखिर कविता जिंदगी का लेखन ही तो है। निरंतरता और स्थिरता को नकारते विचारों के बीच बहुपक्षीय बहुपरतीय पांडुलिपियां अचानक से मलयालम साहित्य में अवतरित हुई। वाइकुम मोहम्मद बशीर शब्दांगल लिखने, सी के पिल्लई पदना पिशाचु, पनीकर की सुया लिस्टने प्रियंगानम, ओ वी विजयन की मून युद्धांगल, जे थॉमस की नाटक मलयालम साहित्य में आधुनिकता के आगमन की सूचना दे रहे थे। ए वी कृष्णा वॉरियर, एम गोविंदन, जी कुमार पिल्लई ने जिस आधुनिक प्रवृत्तियों का आभास कराया उसी आधुनिकता की विधिवत घोषणा एन एल कक्कर, माधवन अय्यप्पन और पनीकर सर ने अपनी कविताओं के माध्यम से की। मैं इस पूरे वक्तव्य के दौरान पनीकर सर कहूंगी क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ केरल में उठती बैठती हूँ वे सारे लोग पनीकर सर के विद्यार्थी रहे हैं। तो बातचीत के दौरान मैं कभी कभी कह देती थी कि अयप्पा की कविताओं में ये पंक्तियां बड़ी सुंदर है, तो सारे के सारे विद्यार्थी कहते थे कि सर नहीं कहती हो तो कम से कम पनीकर कह लो, अयप्पा तो ना कहा करो। तो मेरी आदत सी हो गई है जब भी मैं नाम लूंगी तो अयप्पा पनीकर, पनीकर या पनीकर सर। तो ऐसे संक्रमण काल में अयप्पा पनीकर ने कविताएं लिखनी शुरू की। जो प्रवृत्तियां 1947 में मंद मंद दिख रही थी 70-75 आते आते तीव्र और प्रभावशाली होती चली गई। अयप्पा पनीकर की कविताओं में प्राचीन भग्नावशेष, आधुनिक उत्तर आधुनिक प्रवृत्तियां, भविष्य की सजग परिकल्पना और चिंतन की मजबूत जमीन थी। उन्होंने कविताओं में बहुत से प्रयोग किए। पहला प्रयोग जिन बिंबों से पारंपरिक कविताओं में प्रेम मिलन विरह की व्यथा कही जा रही थी उन्हीं बिंबों का इस्तेमाल उन्होंने रुखरी यथार्थ पर संवेदनाएं जैसे कि विघटन विस्थापन दुख भूख अवसाद जैसी चीजों को व्यक्त करने के लिए उनकी कविता चिरुथा। चिरुथा एक ग्रामीण लड़की है जिसकी शादी मोहन चंद्र कुमार से होती है।
और नया नया आधुनिक युवा शहरी युवा कैसे उस स्त्री को अपने जीवन में ट्रीट करता है, कैसे उसकी इमोशनल डायमेंशन पर प्रभाव डालता है, इसी की कहानी है चरित्र। इसमें सारे पारंपरिक बिंब हैं और दुखों को जिस तरह से उकेला गया है वह उस समय की नगरीय व्यवस्था में नया नया नगरीय युवा युवा कैसे ग्रामीण स्त्रियों को के साथ व्यवहार करता था, इसकी बड़ी बड़ा मानिक चित्रण है। उसमें है कि लंबे तार के वृक्ष डरावने तरीके से सीटी बजाते हैं, चिरुता के दुख को देखकर पत्थर के ऊपर फूल सीधे खड़े नहीं होते, आसमान उतरकर रुमाल नहीं लाता उसके आंखों को पोंछने के लिए, उसके आंसू को पोंछने के लिए चांद तारे उतरकर उसे बचाने नहीं आते, ऐसे कई खूबसूरत तरीके से उन्होंने चिरुता के दुख दर्द को रखा। दूसरा प्रयोग है कार्टून कविता। 70 का दशक भारतीय राजनीति में उथल पुथल का दशक था। इमरजेंसी की घुटन और बिखरते लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच अयप्पा पनिकर ने चोरी, समाचार, कॉकरोच, थकाचन, रोसेली, काडुका जैसी कार्टून कविताएं लिखी। ये कविताएं अंग्रेजी में लिखी जा रही लिमरिक कविताओं से मिलती जुलती थी, मगर इन कविताओं में मजबूत सामाजिक और राजनीतिक चेतना थी। तीसरा प्रयोग उन्होंने यह किया कि उन्होंने व्यंगोक्ति का इस्तेमाल स्वयं के संदर्भ में किया, दूसरों के संदर्भ में बहुत कम। स्वयं को संबोधित कर और स्वयं के संदर्भ में व्यंगोक्ति के इस्तेमाल ने उनकी कविताओं को ज्यादा मजबूत, प्रभावी और विश्वसनीय बना दिया, और इस तरह उन्होंने पाठकों को बिना आहार किए अपनी बात अच्छे से समझाया। उनकी कविताओं की चौथी विशेषता ब्लैक ह्यूमर कम्प्लीट है। इसे किसी कवि के लिए कविता में रूपायित करना कभी भी बहुत आसान नहीं रहा है। इसके लिए अलग तरह का शिल्प कौशल चाहिए होता है। हास्यास्पद चरित्रों में जो दुर्बलता थी, पारंपरिक ट्रेजेडी में जो नैराश्यपूर्ण गंभीरता थी, ब्लैक ह्यूमर ने उन दोनों की बदस एक बेहतर रास्ता बनाया जिसमें छोटे बड़े सचों को बिना अनावश्यक दुर्बलता और नैराश्य की गंभीरता का नाटक किए जस का तस एज इट इज प्रस्तुत। हास्य की निरीहता पर ब्लैक ह्यूमर की सशक्त दस्तक ने काव्य के बहुत से अविजित क्षेत्रों में अपना कदम बड़ी मजबूती के साथ रखा। पनिकर सब चीजों को बहुत भिन्न तरीके से अपनी कविताओं में रूपांतरित करते थे। उनकी एक कविता है एनिके रोरी कुनिया है उंडाई दिनों की, मेरे पास एक छोटा मेघना था। इस कविता में शुरू में वो कहते हैं कि मेरा वो छोटा सा मेमना, उसके बाल कितने प्यारे हैं, वो कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर लगती है। एक समय में लगता है कि कवि उस छोटे से नन्हे से मेमने से संवेदनाओं के स्तर पर जुड़ा है, और जब कविता अंत होती है तो कवि कहता है मैंने उसे पकाया खाया, आह वो बहुत स्वादिष्ट। तो कभी कभी उनकी कविताएं बहुअर्थीय थी और बहुअर्थीय थी, और कभी कभी ये रूपांतरण चौंकाने वाले होते। संदर्भ बदल दे अर्थ बदल जाएगा, पाठक बदल दे व्याख्या बदल जाएगी। अयप्पा पनिकर सर ने अपने काव्य जीवन में नवाचार किया, वे आदि से अंत तक आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के साथ नवाचार करते रहे। उनके अंतिम काव्य संग्रह पोएट्री इन मिडनाइट में कुल 61 कविताएं हैं, और प्राय सभी कविताएं संवाद है। वे कहते हैं कविताएं संवाद है। आप उनके कुछ पंक्तियां देख रहे हैं, मैं कावल से आपको सुना रही हूं। नौके वन के धुन भीतर क्या आनंद की रात की थी, पूछूं तुमसे प्रियवर मेरे नावों से उस पार चलोगे, सखा रहे ना दिन अब वैसे कैसे उसे करोगे, क्या मुझको एक जमीन का टुकड़ा मिल सकता है कावालम में, क्या अंतिम विश्राम मिलेगा प्रेवर मुझको कावालम। देखिए संवाद है, आप आसानी से पता कर सकते हैं दो लोगों के बीच में वार्ता हो गई। एक और विशेषता थी उनकी विरोधाभास को पनिकर सर ने अपनी कविताओं में बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यंजित किया। साम्यवाद, पूंजीवाद, अमीरी, गरीबी, उत्तर, दक्षिण, दिन, रात, मित्र, शत्रु, बल्कि उनका मानना था कि विपरीत में बहुत फर्क नहीं होता,
जो आज मित्र है कल शत्रु हो सकता है और जो शत्रु है कल मित्र। पंडिता सर की कविताओं में बहुत से स्थानों, कई भाषाओं के कवि लेखक, कई तरह के विचार और कई प्रकार की जीवन की प्रत्याशित और अप्रत्याशित उपस्थिति है। उदाहरण के लिए हुगली कविता ले, इसमें प्रत्याशित तौर पर हीरेन मुखर्जी, ज्योति बसु, सिद्धार्थ संकल, हुगली, पद्मा, शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर मिल जाएंगे। जो प्रत्याशित तौर पर मिलेगा वह है वी नारायण मेनन, वल्लभ तोल नारायण मेनन। इस कविता में जीवनानंद दास की वल्लता सेन भी है और काजी नजरुल इस्लाम भी है। अक्सर बहुपद कवि लेखकों की रचनाएं ज्ञान जानकारी और शब्द कोश के मामले में, भाषा वैभव के मामले में बेहद समृद्ध है। समाज के प्रति वे बेहद संवेदनशील थे, इसलिए सामाजिक विद्रोहताएं भी प्रभावित करती थी। उन्होंने कभी भी उससे दूरी नहीं बनाई या तटस्थ होकर काव्य सृजन नहीं किया। विश्वधारक की भूमिका में नहीं आए और उनकी कविताएं नारेबाजी का अड्डा भी नहीं बनी, मगर उन्होंने प्रतीकात्मक भाषा में सामाजिक और राजनीतिक विद्रोहताओं को सामने लाने की भरपूर कोशिश की। जब आप पनिकर सर की कविता चोरी पढ़ते हैं तो आप समाजवाद को मार्क्सवाद की थ्योरी के संदर्भ में नए तरीके से देख पाते हैं। इस कविता में भोजन, कपड़े और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित अपने हिस्से की चीजों को संपन्न लोगों के घरों में देखकर उसे अपना मुर्गा, अपनी गाय, अपना कपड़ा के रूप में कवि संबोधित करते हैं। अगर मैंने अपना मुर्गा चुराया तो बस इसलिए कि मैं उसे भंकर खा सकूं। अगर मैंने तुम्हारे कपड़े चुराए तो बस इसलिए कि मैं तुम्हें शर्म की भावना से बचा सकूं। तुम खुद को बदलो, तब अपने कानून को बदलो ताकि तुम्हारे कानून तुम्हें बदल सके। तमाम क्रांतियों के बावजूद विषमता हमेशा मौजूद रहे। इस सबसे हमारा साक्षात्कार कराते हुए कवि अपनी कविता एजुकेशन सर्कस में कहते हैं, क्या होगा जब हर वर्ग खत्म हो जाए, मैं नए वर्ग में चला जाऊंगा। जब आप पनिकर को पढ़ते हैं तो उनकी लिखित कविताओं को पढ़ते वक्त आपको फ्रेडरिक ऑगनेस याद आते हैं। जब आप उनकी कुरुक्षेत्रम पढ़ते हैं तो टीएस एलियट याद आते हैं। जब उनकी विश्व दृष्टि और सौंदर्य बोध को देखते हैं तो आपको अभी याद आते हैं। उनकी कविताओं को पढ़ते वक्त आप कई स्तरों पर उन कविताओं को खोलते हैं और उनकी हर परत में आप एक नई चीज पाते हैं। उनकी कविताओं में आपको अर्बन विलेज मिलेगा, यूनिवर्सिटी की चर्चा होगी, उनकी सौंदर्य दृष्टि शब्द और अर्थ के मध्य में केंद्रित। उन्होंने अपनी कविताओं कविता की भाषा का पुनरोद्धार किया। उसमें उन्होंने मराठी, तमिल, हिंदी, मलयाली प्रवासी बच्चों के द्वारा प्रयुक्त में लाई जा रही कुछ अलग तरह की शब्दावलियों का निवेश तो किया ही, साथ ही साथ नए शब्द। उदाहरण के लिए पल्लित पहले से मलयालम के शब्द कोश में था, इसका अर्थ है प्रहसन। उन्होंने पल्लिदर शब्द जोड़ा, वह जो प्रहसन है जो कर जैसा। तो इस तरह उन्होंने बहुत से नए शब्द जोड़े, वे आजीवन एक अच्छे गुरु। उन्होंने उनके कुल 40 से अधिक विद्यार्थियों ने अयप्पा पनिकर फॉरएवर में अपनी भावनाएं व्यक्त की है। वो किताब पढ़नी चाहिए गुरु के तौर पर अयप्पा पनिकर को जानने के लिए। उनकी कविता है तो पंक्तियों की कविता है गुरु, उसमें वो कहते हैं कि वो महागुरु है जो अपने शिष्य में गुरु की छवि देखता है। अब बात कुरुक्षेत्र की, पनिकर सर की कविताओं में आपको पौराणिक ग्रंथों के पात्र घटनाएं मिलेंगी, मगर बिल्कुल नए अंदाज में, बल्कि कई बार आपकी कल्पनाओं की परिधि से बाहर। उन्होंने ऐतिहासिक मिथकों की नाटकीयता के स्थान पर समकालीन मिथकों का निर्माण किया। उदाहरण के लिए आप उनकी कुरुक्षेत्र देख सकते हैं। 6 वर्षों में लिखी गई 5 खंडों वाली लंबी कविता कुरुक्षेत्र, जिसे मलयालम आधुनिक कविता के श्री गणेश का बड़ा श्रेय दिया जाता है, इसके प्रकाशन में बहुत लंबा वक्त लगा। उन्होंने बड़े धैर्य से वो समय निकाला। प्रकाशन के बाद उन्हें जिस जबरदस्त आलोचना और आक्षेपों का सामना करना पड़ा उसे भी उन्होंने बड़े धैर्य के साथ महसूस किया और गुजर जाने दिया। वहां से मेरी हिम्मत की इब्तिदा वल्लाह जो इंतहा है तेरे सब्र आजमाने की। हालांकि थोड़े बहुत संघर्ष के बाद 1958 में जो कविता लिखी गई 1960 में उसका प्रकाशन हुआ। देशबंधु पत्रिका ने उसका प्रकाशन किया। पहले वो कविता गई मातृभूमि के पास। मातृभूमि केरल की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी और उसमें किसी नए कवि की किसी रचना का आना बड़े सम्मान की बात।
करती थी। और उस समय मातृभूमि पत्रिका जो थी उसके संपादक हुआ करते थे, बड़े आधुनिक कवि थे अपने समय के, वे उनकी प्रतिष्ठा आधुनिक कवि की थी और वे स्वयं को भी बहुत आधुनिक कवि मानते रहे थे। उनका नाम था एनवी कृष्णवाल, उन्हें कविता ठीक नहीं लगी तो उन्होंने उस कविता को अस्वीकृत कर दिया। बाद में 1960 में, जैसा मैंने बताया कि देशबंधु में प्रकाशित हुई, इस पत्रिका के संपादक थे सी एन श्रीकंठन नायक। बाद में नवधारा पब्लिकेशन ने कुरुचेतन के साथ अन्य कविताओं को पुस्तकाकार रूप दिया। नवधारा प्रकाशन के संपादक का नाम था मुरलीधरन नायर। मुरलीधरन नायर ऐसे संपादक थे जिन्होंने बहुत से नवाचारी, बहुत से प्रयोगधर्मी युवा कवि लेखकों के प्रकाशन में मदद की थी। हालांकि बाद में वे केरल के मुख्यमंत्री ई के नायनार के निजी सचिव बन गए। 1957 में तिरुवनंतपुरम से प्रकाशित लघु पत्रिका कोरपुरम ने लघु पत्रिका आंदोलन का सूत्रपात किया। बाद में 1968 में अयप्पा पनिगर ने केरला कविता नामक लघु पत्रिका की शुरुआत की। तिरुवनंतपुरम से पहली बार ऐसी कोई लघु पत्रिका आई थी जो कविता को समर्पित थी, यह बिल्कुल नई बात थी उस समय। बाद में पनिगर सर ने अक्षरम नाम से पत्रिका की शुरुआत की। पडियम, पृथ्वी, पक्षीकूटम, कुरुक्षेत्रम, प्रभात, संकरामाना जैसी कई लघु पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के पीछे पंडित सर की प्रेरणा है। यहाँ ध्यान रहे कि परंपरागत मलयालम कविताएं मीटर स्केल का पालन करती हैं। द्रविड़ छंदबद्ध कविताएं ज्यादातर यही गाकर सुनाते हैं। उन्होंने अपनी बहुत सी कविताओं में मीटर स्केल का पालन नहीं किया, मगर फिर भी उनकी बहुत सी कविताओं में लय, ताल और संगीत है। उन्होंने केवल मुख्यतः गद्य कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि छंदबद्ध सुंदर एक कविताएं भी लिखी। वे एक समय मुक्तक कविता लिख रहे थे, अगले ही पल छंदबद्ध कविता। किसी कविता में पारंपरिक साहित्य की शास्त्रीय भाषा का प्रयोग था तो किसी में आम बोलचाल की भाषा का। आपातकाल के समय उन्होंने कार्टून कविताएं लिखी तो जीवन के अंतिम दौर में संवाद वाली कविताएं। वे कवि कुरुक्षेत्रम जैसी बड़ी कविताएं लिख रहे थे जिनमें 494 पंक्तियां थी तो कभी गुरु जैसी दो लाइन की छोटी कविता। कीर्तिकार कहते हैं, वंस यू लव मी यू नेगेट मी। अयप्पा पनिगर के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सही बैठती है। आप उनको किसी छवि या वर्ग में समेट कर नहीं रख सकते। सीमा से परे होने का एक मतलब मेरे लिए अयप्पा पनिगर होना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रणाम करी। अच्छा है, मुझे पर्ची देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका दारो मदार, इसको जारी रखने का दारो मदार मैम के ऊपर है, तो मैम की आइए अपनी बात कहिए। सभी को नमस्कार। मैं पढ़कर कविताओं पर अपनी बात रखूंगा। मेरा शीर्षक है अयप्पनिगर की कविताएं, कुछ सवाल कुछ जवाब। मलयालम भाषा के साहित्यकार अयप्पा पनिगर भारतीय साहित्य के इतिहास में खासकर 60 के दशक के बाद एक अभूतपूर्व हस्ताक्षर। वे मूर्धन्य कवि, मेधावी आलोचक व प्रबुद्ध विद्वान रहे। मलयालम साहित्य में आधुनिकता का प्रवेश, या यूं कहें कि आधुनिकता का परिचय पनिगर की कविताओं से माना जाता है। मलयालम साहित्य में अभिनव विषय वस्तु एवं नवाचार के माध्यम से उन्होंने मलयालम कविता को वैश्विक धरातल पर साक्षात्कार करवाया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अयप्पा पनिगर न सिर्फ कवि, आलोचक, भाषा विद थे बल्कि नाटक, पेंटिंग एवं सिनेमा जैसी विधाओं पर भी उनका प्रखर हस्तक्षेप था। प्रस्तुत आलेख अयप्पा पनिगर की वर्ष 1969 से लेकर 1981 तक की कविताओं का अध्ययन कर उसे व्याख्यायित, विश्लेषित कर अंततः आलोचना करने का प्रयास है। जैसा कि उन्होंने बताया अनुमान में कि 1960 की देशबंधु वीकली पत्रिका में प्रकाशित उनका कुरुक्षेत्र का प्रकाशित हुआ था। यह काव्य न सिर्फ पनिगर की कविताओं का नया मोड़ साबित होता है बल्कि आधुनिक मलयालम कविता का नया प्रस्थान भी तय करता है। कुरुक्षेत्र महाभारत के आख्यान का आधुनिक रूपक करता है। महाभारत के पात्र आधुनिक मानव बनकर उभरते हैं। उनके तेवर, समझ व विचार आधुनिक युग की प्रगतिशीलता के संवाहक हैं जो पारंपरिक रूढ़ियों, मान्यताओं को खारिज कर
उसे चुनौती देते हैं। दो पंक्ति कुरुक्षेत्र काव्य से, इंसाफ की गुहार, मैं गीता पाठ करने वाला अर्जुन नहीं हूं। आधुनिक युग का मानव किसी अलौकिक शक्ति के आगे नतमस्तक होकर न्याय नहीं मांगता है। शिक्षा, विवेक, प्रगतिशीलता एवं लोकतांत्रिक ज्ञान से परिपूर्ण होकर अपनी दिशा दशा खुद तय करता है। महाभारत जैसा महासमर उत्तर आधुनिक युग के मनुष्य का आंतरिक युद्ध है। किसी विस्तृत भूभाग पर लाखों लोग का प्रत्यक्ष युद्ध महाभारत के आख्यान में समाहित है, किंतु आज का मानव आंतरिक द्वंद्व के साथ बाहर की दुर्निवार परिस्थितियों से एक साथ जूझता है। यह स्थिति और भी भयावह है। मनुष्य के बाहर का बाजार और भीतर का लालच आज के समय का घोर सच है। भीतर क्रूरता और बाहर हिंसा, भीतर साजिशें और बाहर रिश्तों का इस्तेमाल, भीतर उत्तेजना और बाहर हलचल, इसके साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत दुष्चक्रों की घेराबंदी, इन सब आपात विसंगतियों एवं विद्रोहताओं के बीच आज का अर्जुन अर्थात आज का मानव फंसा हुआ है। फिर भी नतमस्तक होकर किसी पारलौकिक शक्ति से प्रार्थना नहीं करता है। उसका वेग, उसका पुरुषार्थ और वैज्ञानिक तथ्य ही उसके साथी हैं और पथ प्रदर्शक। अयप्पा पड़िक्कल की कविताओं का संसार वैविध्यपूर्ण तो है ही, साथ में कौतूहलपूर्ण भी। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है एक देवता। आहा, एक देवता, दो देवता, तीन देवता, चार देवता, पांच देवता, इतने तक पहुंचने पर कहा मैंने, अरे रुक, तेरा यह बेकार का राज अलापना, देख तो तेरे चारों ओर मानव जमता जा रहा है, मानव अपना पर्दा बेच रहा है, आंसू की एक बूंद भी है तो ब्याह दे, पैसे ले लो, चाहिए तो अभी तो नौ देवता पड़े हुए, तू फिर आना परिवार नियोजन में, कुछ मेरी भी भागीदारी है, उसकी लॉटरी खुलने का नंबर 59 देखता है, आहो। ऊपर से देखने पर यह भूलोक से इधर किसी पारलौकिक दृश्य का दृश्य स्थापित करता है, परंतु यह कविता त्रासद यथार्थ का ज्वलंत दस्तावेज है। यह पूरा कथोकथन भारत के आपातकाल की दुर्दांत कथा बयान करता है, किंतु आपातकाल शब्द जब भी हमारे सामने आता है तो मौलिक अधिकारों की जब्ती और प्रेस तथा मीडिया पर पाबंदी के दृश्य प्रमुख रूप से सामने उपस्थित होता है, किंतु उसका एक और गंभीर विषय जो स्मृतियों के धुंधलकों तक सीमित हो गया है, सब उसे भूल जाते हैं, या यूं कहें कि लोग उसे भूल जाते हैं, वह क्या है, वह है जबरदस्ती नसबंदी की प्रक्रिया। यह पंक्ति देखिए, देख तो चारों ओर मानव जमता जा रहा है। ध्यातव्य हो कि 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी देश की समस्या की प्रमुख वजह बढ़ती जनसंख्या मानती थी। संजय गांधी ने अपने कई भाषणों में इस समस्या को इंगित किया था। पूर्व में कंडोम को लेकर अभियान भी चलाए गए थे, पर वो सफल नहीं हुए। आपातकाल में जब सारी शक्तियां सरकार के पास आ गई तो उसका मनमाना इस्तेमाल जबरदस्ती नसबंदी अभियान में हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंद कर नसबंदी की इस बलात् प्रक्रिया ने पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को खौफ जता कर दिया था। यह अभियान इतना क्रूर और बर्बर था कि जिनका सिर्फ एक बच्चा था या फिर बच्चा नहीं था, उनका भी क्रूरतम तरीके से नसबंदी करवाई गई। इस कविता में त्रासदी की भयानकता के लिए सत्तासीन राजनीतिज्ञों पर कड़ा प्रहार है, तो दूसरी तरफ लाचार, बेबस लोगों के आंसू छलकते मर्मान्तिक दृश्य नसबंदी प्रक्रिया की क्रूरतम कहानी बयान करती है। निम्न पंक्तियां उनका उदाहरण पेश करती है। आंसू की एक बूंद भी है तो गिराते थे, पैसे ले ले चाहिए तो। हम देखते हैं आपातकाल के समय नसबंदी करवाने वालों को 120 रुपए, एक दिन खाने का तेल, पीने एक दिन खाना बनाने का तेल या एक रेडियो का प्रलोभन दिया जाता था। लोगों के निर्दोष आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। सत्ता पक्ष इतना विभत्स और हिंसक हो चुका था कि आम लोग इसमें पिस रहे थे। बेबसी, लाचारी और दर्द का यह आलम था कि वे डर और आतंक की दिशाएं में जीने को मजबूर हो गए। भारतीय साहित्य, खासकर हिंदी कविता के इतिहास में नसबंदी पर शायद ही कोई कविता मानस पटल पर उभरती हुई नजर आती है। अयप्पा पड़िक्कल की सबसे बड़ी खासियत है चली आती सौंदर्य पर, आस्था पर व रूढ़ी पर अवधारणा को नेस्तनाबूद कर समाज व देश में घटने वाली घटनाओं परिस्थितियों के सापेक्ष नव अवधारणाओं का स्थापन। नदियां मानव सभ्यताओं, संस्कृति एवं परंपराओं का निर्वचन करने वाली पवित्र वाहिका मानी जाती है। बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण भी हमारे भारतीय काव्य में प्रचुर रूप से हुआ है। संस्कृत
संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ऐसे कई दृश्य उपस्थित हैं जिसमें नदियों के सौंदर्य का अपना अलग आकर्षण है, किंतु नदियों के भयावह रूप का विकराल रूप कराची की किसी कवि ने कविता के माध्यम से सामने लाया होगा। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में बाढ़ और उससे उत्पन्न तबाही के भयंकर मंजर दृश्यमान है, पर कविता मुख्यतः रीता पात्र ही रही है। उषा किरण खान की कहानी वस्तुगतम वड़ेलू का रूपोत्तान रिंझल रंझल में बाढ़ का भयावह दृश्य आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। केदारनाथ सिंह ने पानी में घिरे हुए लोग कविता लिखी जरूर है, पर बाढ़ की भयावहता का विकट रूप प्रस्तुत करने में वो भी असमर्थ रहे हैं। हालांकि वहां बाढ़ की त्रासदी के साथ लोगों की सामर्थ्य शक्ति का निरूपण है। समकालीन कवियों ने बाढ़ पर कुछ कविताएं रची हैं जिनमें राज्यवर्धन उपासना झा का नाम लिया जा सकता है, किंतु वहां भी नदियों की प्रचलित शुचि मान्यताओं पर प्रहार नहीं है। अयप्पा पढ़कर ने पहली बार साहस दिखाया है। उनकी हुगली कविता इन्हीं चली आती हुई मान्यताओं का ध्वंसात्मक स्वरमान बनकर उभरती है। हुगली कविता के माध्यम से वे नदी के पूरी सभ्यता विमर्श को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर नदी प्रकृति का एक निर्मल तत्व है, प्रकृति का असाधारण आकर्षण उसमें निहित है, किंतु मनुष्य की प्रजाति है तो अगर वो बाढ़ जैसा प्रचंड रूप अख्तियार करती है तो निसंदेह वह पूज्य है। पणिक्कर के अदम्य साहस और कार्यात्मक विवेक का दृष्टांत पेशर होगी कविता। नदियों के बारे में लिखना बंद करो, शहरों को डुबाती है नदियां अपने तलय से। प्रतीक्षित बरसात समुद्रों की सृष्टि करती है, होगी तुम नदी नहीं समुद्र हो, कल्पांतर हो बहती हुई झोपड़ियां हो, तड़पते हुए जानवर भौंकने में असमर्थ कुत्ते भूख भूली बिल्लियां हो, शर्मवंचित कुंवारी लड़कियां हो, बच्चों को नहीं खोजने वाली मां, लंबे पेड़ों का सपना देखने वाले मजदूर, शहर की नींद से नहीं जागने वाले शरणार्थी हो, होगी तुम अंतिम सत्य हो, अंधेरे का आलिंगन हो, नदियों के बारे में अब मत गाओ। 1978 में आई कलकत्ता की बाढ़ के बारे में पूरे भारतीय साहित्य में ऐसे भयंकर दृश्य कविता के माध्यम से नहीं हुए, ऐसा दुर्गम्य चित्र दुर्लभ है। सब सांस्कृतिक विरासत ध्वस्त हो रहे, मनुष्य पशु पक्षी पूरा शहर काही काही कर रहा है, सैकड़ों लोग कह गए हैं, कई लापता है। इस अद्भुत चित्रण पर कुछ और पंक्तियां पेश है। हुगली में बाढ़, आकाशवाणी में विवाद, दूरदर्शन में दृश्यों का कलह है, पिघलते पापों के बर्फ से गंगा की महिमा है, दुष्टों के मन द्रवित वाणी गरिमा, ऋतुओं के गायक रविंद्र की स्वर विवहलता, शहरों का शहर कलकत्ता, हुगली के भूजपाश में सब कुछ दबता है, बह गए 600-700 लापता। आधुनिक भारतीय कविता सरणी में बाढ़ का ऐसा निर्मम किंतु मार्मिक एवं विरल विरुद्ध दुर्लभ है, ऐसा विध्वंसकारी विरुद्ध जहां कवि अपनी तीक्ष्ण निरीक्षण शक्ति द्वारा बाढ़ के अंग गतन वर्ण आकृति तथा उससे संबद्ध आसपास की परिस्थितियों का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता हो, यह सचमुच लाभ है। बाढ़ का अभ्यंतर को बाहि निरूपण कर कवि वहीं तक सीमित नहीं रहता है। बाढ़ की दुर्निवार्य स्थिति के पश्चात राजनीतिक संगठन एवं सत्ता के चापलूस किस तरह राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं उस पर भी खुलेआम प्रभाव करता है। कविता की संपूर्णता भी इसी से पूर्ण होती है। हुगली की अंतिम पंक्तियां, प्रत्येक ऋतु का अपना संगीत है, हिरेन मुखर्जी ने ज्योति बसु से कहा। समाजवाद जल्द ही आने को लगता है, सिद्धार्थ शंकर इसी सेन से बोले, यह मैंने पहले ही कहा। एक कवि के जीवन में कई ऐसे पहलू आते हैं जहां उसे ना चाहते हुए भी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कवि एवं कविता दोनों के लिए धिक्कार होती है। प्रचलित एवं यथार्थवादी नजरिए से आज भी कवि की हालत कुछ खास नहीं है। पूंजीवादी युग में कवि का कवि होना अपने आप में जुझारूपन का प्रतिमान है। इसके साथ ही आज के युग में घोस्ट राइटिंग का प्रचलन भी अत्यधिक रूप से मुखर हो गया है। बहुव्रीही कविता इन तमाम तरह के अंतर्द्वंद लाचारी और लेखक के नैतिक दायित्व की जड़ तक पहुंचकर उसकी पड़ताल करती है। बहुव्रीही कविता की चार पंक्तियां, देश के लिए जीवन जिया उदार मन से कवि याद करता है, एक गोली से कितने पंछी लेकिन पेट के लिए भोजन। अंधेरे में कविता में मुक्ति बोध में आत्मलाप करते हुए खुद को कटघरे में शामिल करते हैं और कहते हैं कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मुक्ति बोध सभी प्रकार की राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक दुर्वस्थाओं के बावजूद खुद को दोषी मानते हैं, उन्हें अब तक का अपना किया हुआ सभी कर्म व्यर्थ और निरर्थक प्रतीत होता है। सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक अवदान का जब मूल्यांकन होता है तो मुक्ति बोध वहां अपने आप को नहीं पाते।
किंतु एप्पा पढ़कर इसके लिए साहित्य में राजनीति की साजिशों को कुशलवार मानते हैं। उन छोटे छोटे पारस्परिक प्रलोभन की अपसंस्कृति जो पूरी तरह साहित्यिक जगत में पैठ बना चुकी है। हालांकि पढ़कर इस अमूल्य की संस्कृति में खुद को भी शामिल करते हैं, परंतु कुशलवार सिर्फ वे ही नहीं, निम्नलिखित कविता उसका प्रमाण है। ओणम विशेषांक के लिए महाबली की याद में एक संगीत नाटक मिल जाए तो अच्छा है। बांग्लादेश के बारे में आप कविता लिख रहे हैं ना, 30 नोट हाथ पर धर देंगे, बाकी चंदा समझ लीजिए। सर जरा बाल साहित्य थोड़ा मन से, थोड़ा और ध्यान से, हमारी बड़ी सहायता हो। स्वतंत्रता दिवस की बैठक के लिए स्वागत गीत गाने के लिए एक देशभक्ति गीत मिले तो कृपा हो। गांधी सत्य के बिस्तर पर चढ़ने की इच्छा है तो शांति पर एक कविता हो, नहीं तो युद्ध पर विश्व है। दरअसल इस कविता के परिदृश्य में कॉर्पोरेट जगत, पत्रिका संस्थान और सत्ता प्रतिष्ठान पर काफी बड़े अफसर और ब्यूरोक्रेट भी समाहित हैं, जो रचनाकार को सामाजिक सांस्कृतिक उन्मेष का ध्वजवाहक नहीं बल्कि घुसपैठ विचारों का सौदागर समझता है। हिंदी साहित्य में जब हम सांस की बेला पर गौर फरमाते हैं तो संध्या पर कई कविताएं लिखी गई। निराला ने संध्या सुंदरी में सांस एवं उसके पूरे परिदृश्य को मानवीय कृत कर एक रूपवती पड़ी के रूप में चित्रित किया, तो पंत ने संध्या के बाद कविता में गोधूली बेला की प्राकृतिक छटा का बड़ा ही विस्मयकारी वो मनोरम दृश्य का वर्णन किया है। माता लाल चतुर्वेदी ने संध्या के जो बोध सुहाने लगते हैं नामक कविता में प्रकृति जगत में संध्या समय को विशिष्ट स्थान दिया है। इन तीनों कविताओं में एक समान तत्व लक्षित होता है, वह है प्रकृति जगत के नाना रूपों में संध्या का एक विशिष्ट आकर्षण और उसका अमित महत्व। सांझ संध्या या फिर शाम का अधिकतर चित्रण विशेष रूप से मनोहारी प्रकृति के छटाओं के विभिन्न रंगों के समागम एवं कला एवं सौंदर्य प्रकट प्रतिमान प्रतीकों के लिए किया गया। अमूमन रात और अंधेरा ऐसी साहित्यिक रूढ़ियां हैं जो डर और आतंक और भय को परिभाषित करती है। संध्या शब्द का प्रयोग प्रकृति के ललित पक्ष को उद्घाटित करता आया है। बहुत कम ऐसी कविताएं हैं जहां साज एक नकारात्मक प्रति डर व भय के साय का बिंब लेकर सामने आती है। आज की कविता पर नजर डालें तो पराग पावन ने लीक से हटकर संध्या का चित्रण अलग ढंग से किया है। उनकी कविता मेरे खून का संक्षिप्त इतिहास में संध्या डर के माहौल का सृजन करती है, किंतु संध्या का गहन दर्शन डीप फिलोसफी के रूप में साहसिक प्रयोग एप्पा पणिक्कर की कविता का असाधारण पक्ष है। निम्न कविता दृष्टिगत है। तू ही जीवन संधे, तू ही मृत्यु संधे, तू ही गहराती, तू ही उजल होती, तू ही संधे। तेरी आंखों में जब दबाया निवी रंग का, तेरे होठों पर जमता घनश्याम के भाग, तुमसे ही पैदा होती रातें दिन, तुझमें ही मरते संधे, तू रात की जननी, तू मृत्यु की कामनी, तू पुण्य पाप का परिहार। यहां सांझ ने किसी सौंदर्य प्रसाधन से सज्जित किसी रूपवती पड़ी के रूप में आरोपित हुई है, न इस बेला का विविध सौंदर्यात्मक चित्रण हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से संध्या यहाँ जीवन मृत्यु के बीच सेतु बनती है, प्रकृति के प्रत्येक सृजन और ध्वंस का प्रतीक बन उभरती है। दरअसल इस कविता के साथ कवि जीवन की उस स्वाभाविक परिणति को इंगित कर रहा है जो संसार का शाश्वत सत्य है। आज उत्तर आधुनिक समय में मानवीय मूल्यों का विपर्यय हुआ है, संवेदना का ह्रास हुआ है, पूंजीवाद अपने चरम उत्कर्ष पर है, भौतिकवाद ने अपने जड़े इस कदर मजबूत कर ली है कि रिश्ते व मानवीय संबंधों की परत भी स्थित होती जा रही है। आगे की पंक्तियों में कवि का अभिप्राय और भी स्पष्ट होता जाता है। मन में इंसान होने की याद भी फीकी पड़ जाती है, कहां है नरक और मेरे स्वर्ग कहां है। आईने में चेहरा देखते समय आंखों में नफरत भर आई, करुणा से भींगी आंखों के साथ आजा तू आजा समझे। हम इंसान होने की सहज प्रकृति से भी परे हो चुके हैं। कवि की यह पंक्ति देखिए कितनी मारक है, इंसान होने की याद भी फीकी पड़ जाती है। क्या सचमुच मनुष्य होने के लिए हमें उसकी मूलभूत मनुष्यता को याद करनी पड़ेगी? मनुष्य होने का नैसर्गिक गुण भी अब कृत्रिम बन चुका है। मनुष्यता की तमाम शर्तें हासिल पर आ चुके हैं। कृत्रिमता, बाजारवाद, उपभोक्तावाद का षड्यंत्र, जातिगत विसंगतियां, धार्मिक ध्रुवीकरण की विद्रूपताओं का ऐसा अभेद जाल बुना हुआ है कि मनुष्यता उसमें दबती जा रही है। आईने में चेहरा देखते समय आंखों में नफरत भर आई, कभी भी इस दुर्निवार स्थिति से अछूता नहीं है। इन चक्रव्यूहों से वह भी बच नहीं पाया है, किंतु उसकी चेतना की चिंगारी अभी भी बुझी नहीं है, इसलिए वह आईना देखते समय खुद को भी कोस रहा है। कविता के अंत में कवि जीवन की इन विषम व अमानुषिक परिस्थितियों से परेशान होकर निराशा और हताशा को अंतिम सत्य मानने पर मजबूर होता है।
कवि जीवन के इस जटिल कुचक्र में बहुत देर तक जूझता है, मानवीयता और मानसिक पक्षों को अक्षुण्य रखने की जीत और कोशिश करता है, किंतु अंत में जाकर वह समर्पण कर देता है। मर गई, मरकर जल गई, तूने जो रखी मोमबत्तियां समझ ले, अब नहीं है दीप, अब नहीं है दीप्ति, जीवन जो तूने दिया, मृत्यु जो तूने दी, तू ही साथ ले जाके समझ ले, अंतिम 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 यह यात्रा अंतिम ही तो है ना। इन पंक्तियों में जो तीस महसूस होती है वह कवि की अपनी तीस भी है और मूर्त जगत में फैली मनुष्यता के शरण होने की पीड़ा भी। बौद्धिक विचार गूढ़ एवं कटु यथार्थ के निर्देशन के साथ साथ कवि का स्नेही स्पंदन और भावनात्मक प्रेम भी कई कविताओं में रंग भरता है। निम्न की पंक्तियां देखिए। अलसाकर क्यों रुक गया दिल, अपने धड़कन से ही क्यों विमुख हो गया, जरा बता दो कि क्या तू अपनी पुरानी धड़कन पसंद उसकी भूल गया। उपयुक्त कविता में कातर प्रेम, कोमल संवेदना और अनुराग से करुणा को बड़े ही नाजुक तरीके से प्रस्तुत किया गया। जिस तरह कविता में संवेदना का महत्व स्थान होता है, सामाजिक जीवन में वही स्थान प्रेम का होता है। दिल स्रोत है प्रेम का, मैत्री का, सद्भावना का, स्नेह का, संवेदना का और उन तमाम भावों का जिससे जीवन का प्रसार विस्तृत होता है। वास्तव में तेरे उपकार को भुलाया नहीं जा सकता, मेरा दोस्त ही तो है। इसलिए कवि दिल को दोस्त की उपमा देते हुए दिल के इस उपकार के लिए उसका दिल से कृतज्ञ है। ऐसा पढ़ी करती कविताओं पर क्षणवाद का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, किंतु यह अस्तित्ववादी क्षणवाद नहीं, यह बौद्ध दर्शन का क्षणवाद है। निम्नलिखित कविता क्षण क्षण को जोड़कर बृहद संसार की निर्मिति करती है। उनके लिए प्रत्येक क्षण असाधारण भी है और ये क्षण ही मनुष्य की संभावना का विकास करते हैं। संसार में सभी वस्तु अनित्य है, कुछ भी शाश्वत नहीं। बुद्ध का क्षणवाद इसी की व्याख्या करता है। पढ़कर इसी क्षणवाद से प्रभावित होकर कहते हैं, एक एक क्षण भर देना ध्यान, फिर डरना मत रात से, दिन से, जीवन से, मरण से। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ कविताओं को व्याख्यायित कर विश्लेषित कर अंत में आलोचना करनी, तो मैं अब आलोचना पर आता हूं। अयप्पा पणिक्कर की कविताओं का वितरण अत्यंत व्यापक और सुदृढ़ है। गहन दार्शनिकता, विचारात्मक घनत्व, यथार्थवादी सत्यान्वेषण, सामयिक सच, तरल प्रेम और बाल नाम की सुलभ कविताओं में विषय और शिल्प के विविध रंग देखने को मिलते हैं। कविताओं में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ इस प्रकार घुले होते हैं कि पुराख्यान और आधुनिक सत्य का एकाकार हो जाता है। वैचारिक प्रबंध इतना कसा हुआ होता है कि वह सामयिक सत्य को उद्घाटित करने में अमूमन सफल हो जाता है, किंतु बौद्धिक भाग की अतिशयता कहीं कहीं इतनी कुशल हो जाती है कि कविता का मर्म और उसका शब्दार्थ आपस में संगठित नहीं हो पाता। निम्नलिखित कविता इसका उदाहरण है। मक्खी की सूंघने की क्षमता ही नष्ट हो गई तो उसने एक हाथी के सूर में बसेरा कर लिया। हाँ, अब जब हाथी सूंघता है तो खुद को भी खुशबू मिलती है, मक्खी आश्वस्त हो। अंतिम पंक्ति पर गौर करना कि जब हाथी सूंघता है तो खुद को भी खुशबू मिलती है। जब मक्खी की सूंघने की क्षमता ही नष्ट हो गई तो हाथी के सूंघने से उसे खुशबू कैसे मिल सकती है। अब उसकी अगली पंक्ति है, ऐसे ही रहते रहते एक बार हाथी के सूंड में फोड़ा फूटा और हर जगह फैल गई बदबू। जब एक बार हाथी छींका तो मक्खी बाहर निकल पड़ी, अपनी सूंघने की क्षमता नष्ट हो गई तो कितना अच्छा हुआ। यहां भी अर्थ विपर्य स्पष्ट दिख रहा है। जब हाथी का फोड़ा फूटा और बदबू फैली तो यह वह निश्चित है कि उसके सूंघने की क्षमता नष्ट हो गई है। मक्खी का निश्चिंत होना शब्दार्थ और भावा दोनों को बाधित करता है। मक्खी गंदगी में ही बसती है, यह मक्खी की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। यह कविता पूरी तरह भाव, शिल्प और अर्थ तीनों के संगठन को कमजोर बनाती है। एक कविता है पवाली कुट्टी। यह कविता देखिए, 12 साल से कम उम्र वाली पवाली कुट्टी ने जब अपनी छाती की ओर देखा, 12 साल से कम उम्र वाली पवाली कुट्टी ने जब अपनी छाती की ओर देखा तो एक उच्छ्वास छोड़ती हुई बोली, अरे ये मांस के लोथड़े कब बढ़ेंगे। यह कैसी कविता है, यह पूरी तरह एक बच्ची के कोमल मनोविज्ञान के साथ खिलवाड़ हुआ है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची की छाती को केंद्र में रखकर कविता जैसी संवेदनशील विधा में उसका दृश्यात्मक बिंब प्रस्तुत करना अपने आप में घिनौना और वर्ज्य है। कवि कौन सा मनोवैज्ञानिक चातुर्य का नमूना पेश कर रहा है। इस तरह का वर्णन पाठक के मन में वितृष्णा उत्पन्न कर सकता है। यह कविता न कलात्मक सौंदर्य के खांचे में फिट बैठती है, न ही सामाजिक सांस्कृतिक धरातल पर इसकी कोई उपयोगिता नजर आती है।
एक बात में कहा जाए तो यह कविता है ही नहीं, बच्ची की कोमल संवेदनाओं के प्रति मानसिक विकार की उद्घोषणा है। अभी पर्ची मिल गई, इसी में खत्म करना चाहता हूं। ये दोनों पर्चियां आप ले लीजिए और मुझे भी आप दे सकते हैं, चाहे तो आप उसका बात भी लगा लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद मेरी बारी है। आया पंडितकर पर चर्चा करते हुए मुझे आलोक धनवा की एक पंक्ति याद आ गई है कि मैं भी भारत में पैदा होने का मतलब पाना चाहता था, और ये पूरा आयोजन इसी का विस्तार लगता है कि शायद हम भारत को थोड़ा और ज्यादा जान पाए, मतलब समझ पाए। एक तरह से ये समृद्धि का मसला है। अयप पणिक्कर की जो कविताएं हैं हिंदी में दो संग्रह उनके उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर बातचीत करने का प्रयास करूंगा। पहला है अयप पणिक्कर की कविताएं जो साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित है, और दूसरा है मेरी दीवार पर जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। दोनों की अनुवादिका रति सक्सेना है। चार पांच बिंदु में अयप पणिक्कर की कविताओं को देखने की कोशिश है, पता नहीं ये कितनी सफल होगी आप लोग बताएंगे। जैसे एक बिंदु एक सिरा दिखाई देता है परंपरा का, दूसरा है समकालीन जीवन कह लीजिए, विकास कह लीजिए, चलती हुई भाषा में यथार्थ कह लीजिए, तीसरा है संबंध, प्रेम संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें, चौथा है स्त्री, और पांचवा है उनसे कविता संभव कैसे हुई है, यानी वो करते क्या है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप मूल भाषा नहीं जानते तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि कविता संभव कैसे हुई। विषय तो आप बता सकते हैं लेकिन कविता का संभव होना जब तक आप मूल भाषा नहीं जानते मुश्किल है। तो सबसे पहला जो सिरा है परंपरा, भारत के बारे में एक प्रायः कहा जाता है कि इतना पुराना देश अपनी परंपरा की महानता और उदारता को समेटे हुए, लेकिन अयप पणिक्कर सिर्फ परंपरा उदारता आदर्श संस्कृति का गुणगान ही नहीं करते बल्कि उसकी बहुत तीखी आलोचना भी करते हैं, और एक तरह से अयप पणिक्कर के बारे में कहा जाता है कि बहुत कड़वाहट के साथ याद करते हैं। आप अगर अयप पणिक्कर की परंपरा से जुड़ी हुई कविताओं को पढ़िएगा तो शायद आपको हिंदी में राजकमल चौधरी और भूमि की याद आएगी। यह भी ध्यान रखते, हालांकि हम कवि अयप पणिक्कर की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परंपरा पर उनकी कितनी गहरी पकड़ है इसका पता हमें उनकी बहुत शानदार किताब है इंडियन नैरेटोलॉजी, उसको देखना चाहिए। उसमें भारतीय कथा की जितनी धाराएं हो सकती हैं और बहुत ही रोचक नामकरण उन्होंने किया है। एक दो उदाहरण लेता हूं, जैसे ऋग्वेद में जो कथाएं आई हैं उसके लोग कहते हैं इनक्रिप्टिव नरेटिव, पुराण को कहते हैं सारा नरेटिव, रामायण महाभारत को कहते हैं इतिहास साइंटिफिक नरेटिव, कथा सरसागर को कहते हैं श्रृंखला नरेटिव, और जो रघुवंश इत्यादि की जो महाकाव्य की परंपरा है उसको कहते हैं ग्रैंड नरेटिव, और फिर शिल्प आदिकाल में जो है उसमें द्रविड़ आख्यान, लोक आदिवासी परंपरा को निष्ठ आख्यान कहते हैं। तो परंपरा के बारे में इसको भी देखना बहुत जरूरी है ऐसा लगता है। बहरहाल जो मैंने आपसे कहा कि राजकमल चौधरी और भूमि की आपको याद आ सकती है, एक कविता छोटी छोटी कविताओं का उदाहरण दूंगा। एक छोटी सी कविता है खुजली, इसकी कुछ पंक्तियां देखिए। पहली खुजली मेरे दाहिने घुटने पर मचती है, आखिरी खुजली मेरे बाएं घुटने पर मचती है। देवता को जब खुजलाहट हुई यह संसार पैदा हो गया, मुझे मालूम है एक ही परमार्थ खुजली ही परमानंद, बाकी सब कुछ मिथ्या है, केवल यही है सनातन सत्य। आप इसको सुनते हुए अनाम दास का पोथा हजार प्रसाद वेदी का प्रसिद्ध उपन्यास उसको याद कर सकते हैं, रैक मुनि का श्याम छांदोग्य प्रसंग में आया है,
और उसी को आधार बना करके द्विजी जी ने लिखा। उसमें भी जो रैक मुनि है उनको भी पीठ में खुजली होती है, काढ़ी सगे रखते हैं। और दरअसल भारतीय काम चिंतन यह मानता है कि काम भावना का ऊपरी सतह भले उदाम लालसा हो, लेकिन उसका मूल तत्व सृजन की इच्छा है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तदैच्छत बहुश्याम प्रजा तत्तेजो सृजत। तो ये एक, लेकिन ये बात है कि महिमा वर्णन नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर आप देखेंगे उर्वशी कविता आप पढ़ें या और दूसरी कविताएं पढ़ें तो आपको परंपरा का एक दूसरा रूप दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा जो बिंदु मैंने तय किया था वह विकास या समकालीन यथार्थ या जीवन व्यक्ति। ये आधुनिक संसार की विडंबना ही है कि विकास की सारी प्रक्रियाएं यूरोप और आगे चलकर के अमेरिका केंद्रित होती है। अया पणिक्कर की एक लंबी कविता श्रृंखला है जिसका शीर्षक है पैसेज टू अमेरिका। उसमें बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, लेकिन अमेरिका तेरी हृदय रेखा कहाँ खो गई। हृदय रेखा शब्द ध्यान दीजिए, यह एक वाक्य ही विकास के पैमाने और उसकी विडंबना को स्पष्ट कर देता है। इसी तरह की दो कविताएं वीडियो पर मृत्यु, शीर्षक आप देखिए वीडियो पर मृत्यु और रेडीमेड चिना भस्म। वीडियो पर मृत्यु कविता अमेरिका में रह रहे एक भाई को देश में मरना सन मां के लिए बहन को लिखा खस है। यह कविता अपने पूरे स्वरूप में अत्यंत डरावनी है। भाई का कहना है, मदर की कविता की पंक्तियां हैं, मदर की मौत का वीडियो जरूर भेजना, आखिरी सांस से लेकर क्रियाकर्म फ्यूनरल फ्रेंड्स को बहुत पसंद है। कैसे बढ़िया बनना चाहिए, बहुत लोगों को दिखाना है। द लास्ट मोमेंट्स ऑफ एन इंडियन मदर, यही टाइटल ठीक रहेगा। शादी का वीडियो है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर एक दूसरी कविता है जिसमें है कि बेटा बाप के हार्ट अटैक में जाता है और फिर लौट के चला आता है। तो उसके दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ, सब तो ठीक है? तो कहता है, हाँ पिछली बार बड़ा धोखा खाया, बेकार ही घबरा कर दौड़ा दौड़ा पहुंचा, देखा कि इंटेंसिव केयर के सामने बंदर से वे घूम रहे थे। बेकार ही 3,000 खर्च हो गए, कुछ काम भी नहीं बना, टाइम पर ही पहुंचना चाहिए, इस बात कंफर्म करके पहुंचा। कविता में चरम दो पंक्तियों पर स्थित होता है। बेटे से जब ये पूछा जाता है, अब तो नहीं जाना ना, बेटा लगभग चीखता हुआ कहता है, अरे वो बुढ़िया जो बैठी है। यहां पर कविता समाप्त हो जाती है। एक ये मतलब जो पड़वाहट है, या आप कह सकते हैं कि जो समकालीन जीवन है, उसमें भारतीय सामाजिक संरचना जाति की परतों में बटी हुई है। जाति बहुत गहरे हमारे भीतर धसी हुई रहती है। चार पंक्तियां उसके लिए देखिए, पंचतंत्र परम तंत्र, ये कविता का शीर्षक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि परंपरा को केवल महिमा मंडल या गुणगान के लिए ही नहीं रखते। बंद कर दीजिए, नहीं आप लोग कहेंगे तो हम भी बंद नहीं। तो कविता का शीर्षक है पंचतंत्र परम तंत्र। पंचतंत्र के बाद परम तंत्र शब्द देखिए, और इसमें कहते हैं सीधे, मत पूछो जात, मत बताओ जात, लेकिन जात को भूल कर कुछ भी करो मत। मत पूछो जात, मत बताओ जात, लेकिन जात को भूल कर कुछ भी करो मत। और भारतीय जीवन हो और राजनीति न आए, ये संभव नहीं है, खास करके आधुनिक भारतीय जीवन। यह भी एक स्थिति है कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक जिस तरह धर्म नियंत्रित करता रहा जीवन को, हालांकि आज ही कुछ जारी कर रहा है, लेकिन प्राचीन और मध्यकाल में धर्म इस तरह से नियंत्रित करता था जीवन को, आधुनिक काल में राजनीति करने लगी। यह पणिक्कर की एक कविता है घोड़ा नृत्य, बहुत ही अलग किस्म की कविता है। इसमें कहते हैं, चार शानदार घोड़े सज धज कर आए, एक घोड़ा दूजा भूरा तीसरा लाल चौथा काला, एक के चार टांगे एक के तीन टांगे तीसरे के दो टांगे चौथे के एक टांग। एक टांग वाला घोड़ा बोला साथियों से, नाचने का वक्त आया रे दोस्तों, हमें एक टांग पर नाचना चाहिए। दूसरों ने हामी भरी, नाच शुरू हो गया। चार टांगों वाला लड़खड़ाकर गिर पड़ा, तीन टांगों वाला बेहोश हो गया, दो टांगों वाला लड़खड़ाकर गिर गया,
एक टांग वाला ही नेता रहा, नाच चलता रहा चलता रहा। तो ये देखिए किस तरह से वो जीवन को व्यक्त करते हैं। और इसके बाद हमने आपसे कहा कि संबंध, संबंध में आम तौर पे देखा जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध को लेकर के, प्रेम को संबंध, प्रेम संबंध को लेकर के, या तो बहुत ज्यादा खुलापन होता है या फिर बहुत ज्यादा एक झिझक होती है, कुंठा अनकन होता है। ऐसे बहुत कम कमी है, बहुत सारे ऐसे कमी है, फिर भी संख्या कम है जहां पे प्रेम के नाम पे कुंठा का अंकन न हो। अरे पंडितर वैसे ही कमी है जो बिल्कुल खुल करके लिखते हैं, लेकिन क्या मजाल कि आप कहीं आपको अटपटा सके। जैसे एक उनकी कविता है अक्टूबर एक, इसमें वो कहते हैं सत्य को खोजते हैं पंडित वर्ग। आप भाषा देखिए, हिंदी में है फिर भी देखिए। सत्य को खोजते हैं पंडित वर्ग भाल पर, होठों पर, छाती में, नाभि में, जंघाओं में। एक होने में नहीं है सत्य, दो होने पर टूट जाएगा। एक होने में नहीं है सत्य, दो होने पर टूट जाएगा। दोनों के मिलकर एक होने पर है सत्य, दोनों के मिलकर एक होने पर है सत्य। और ये प्रेम कविता केवल एक तरह की नहीं है, बहुत सारी विविधता है इसमें। कुछ कविताएं ऐसी हैं जिसमें प्रेम के मधुर मोहक कोमल स्वरूप इस तरह से आते हैं जैसे प्रेम पूजा में बदल जाता है। एक कविता ही है जिसका शीर्षक है पूजा। मेरे हृदय की रक्त कमल कली को तोड़ते तेरे बढ़े हुए हाथ पर अंकित हुआ मेरा चुंबन। तेरे हृदय की रक्त कमल कली को तोड़ते तेरे बढ़े हुए हाथ पर अंकित हुआ मेरा चुंबन। एक बात प्रेम के साथ और है, आमतौर पे प्रेमी प्रेमिका जब प्रेम की शुरुआत करते हैं तो इस दुनिया से थोड़ा अलग हो जाते हैं, ऐसा लगता है, या फिर ऐसी कल्पना की जाती है कि वो अपनी दुनिया बसा रहे हैं। हालांकि ऐसा हो भी तो वह दुनिया इस वास्तविक दुनिया से कट नहीं जाती। अयं पढ़कर प्रेम के साथ श्रम को जोड़ करके देखते हैं। एक जमाना था जब हिंदी में प्रगतिशील कविता ने या उर्दू में भी फैजान फैज को याद कीजिए, कल हम लोग याद कर रहे थे, प्रेम और श्रम को बहुत जोड़कर, शमशेर के यहां भी बहुत थे, दूसरे कवियों के यहां, केदार जी के यहां, नागार्जुन के यहां। तो एक कविता है कुल्हाड़ी, आप कल्पना कीजिए कि कविता प्रेम की है और शीर्षक है कुल्हाड़ी। कहते हैं कभी कोई एक लड़की उसके उसके भी बालों को सहलाएगी, कभी कोई एक लड़की उसके भी बालों को सहलाएगी, छलकती मांस केशों वाले उसके हाथों में, गट्ठे पड़े हथेलियों में, जब भी कुल्हाड़ी आती होगी तो लकड़ी का गट्ठा भी कांप कांप जाता होगा, पसीते आकाश से कुल्हाड़ी की धार पर टपकती कुछ बूंदें सुरत चरमा वेग में बदल जाती होंगी। कुल्हाड़ी शीर्षक कविता कि कुल्हाड़ी की धार पर टपकती कुछ बूंदें सुरत चरमा वेग में बदल जाती। क्योंकि प्रेम आमतौर पर पुरुष कवि अलग है हमारे समाज में, तो प्रेम की कविताएं ज्यादातर स्त्रियों से संबंधित है। तो एक कविता स्त्री संबंधित शीर्षक है वह मर गया। ये हिंदी में बहुत ही प्रभावशाली लगी मुझे, मलयालम का पता नहीं है, मलयालम में शायद इससे ज्यादा प्रभावशाली होगी। मात्र छह पंक्तियों की कविता है, वह मर गया शीर्षक है इसका। वह मर गया वह रोई नहीं, वह मर गया फिर भी वह रोई नहीं, वह मर गया लेकिन वह रोई नहीं। पहले में है वह रोई नहीं, दूसरे में फिर भी वह रोई नहीं, तीसरे में लेकिन वह रोई नहीं। तो ये जो कविता है तीन, ये केवल वह फिर और लेकिन, ये तीनों शब्द कविता में यही तक सीमित नहीं रहने, इसका बहुत विस्तार करते हैं। ये तीनों शब्द मर गए आदमी के लगातार गुजर रहे वक्त को भी रेखांकित करते हैं, और उस आदमी के बिना निरंतर अपने को दृढ़ करती हुई स्त्री को भी उपस्थित करते हैं कि फिर भी नहीं रोई लेकिन नहीं रोई। ठीक इसी प्रकार एक लंबी कविता है पुरुष ही तो तुम, पुरुष ही तो हो तुम। यह लगता नहीं किसी कविता से, यह कविता किसी पुरुष ने लिखी है। कविता में एक पत्नी का बयान है, पत्नी कहती है कोई देव कन्या नहीं मैं नसीता नरम्भा, कोई देव कन्या नहीं मैं नसीता नरम्भा, कोमल काम शकुंतला नहीं, सावित्री की प्रतिमा भी नहीं, शीलावती का शील भी नहीं, परंपरा के मापदंड से मापोगे तो जाने कितना वक्त लो मुझे समझने में, मैं बनी रही बस खाना पकाने वाली नौकरानी
धोबे अतिथियों के सामने मुस्कुराहट परोसती, उनके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाती। यह बयान किसी एक पत्नी का नहीं है, भारतीय सामाजिक संरचना में पत्नी का सामान्य दर्जा उल्लंघन है। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी बहुत तरस स्थिति बनी, तो मैं कुछ उनकी कविता कैसे संभव हुई है उसको भी खोजने की कोशिश करूंगा। एक तो शुरू मैंने कहा कि कड़वाहट और व्यंग की तरफ अनामिका ने इशारा किया, तो व्यंग और विद्रूप ये पणिक्कर की काव्य में बहुत गहराई से है। और हमारे साथ एक दुर्घटना ये हुई है कि आमतौर पर विद्रूप और व्यंग को एक शैली के रूप में समझने के अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि विद्रूप या व्यंग चाहे अनचाहे अर्थ का सामना करते हुए अपनी असफलता एवं पराजय की स्थिति में भी टिके रहने की दृढ़ता से उत्पन्न होता है। विद्रूप भले ऊपरी तौर पर चोटिल करने वाला लगे तथा व्यंग ऊपरी तौर पर हास्य की सृष्टि करे, लेकिन इन दोनों की बुनियाद करुणा और तीस है। अया पणिक्कर की एक कविता है निवेदन, जो शैतान के नाम पर प्रचलित हुई है। इसकी शैली स्वयं पर व्यंग और हंसने की है, पर भीतर ही भीतर अपने रोजमर्रा की जिंदगी के उलझनों का विवरण भी है। कवि पूछता है, ये उदाहरण है, मैं तो यही जानना चाहता हूं, शैतान को संबोधित है, कह रहा है कि मैं तो यही जानना चाहता हूं कि आपके अंडर काम करने पर मेरी बेरोजगारी खत्म होगी क्या? गुंडा आया, हिंसक राजनीति, ड्रग्स, प्राइवेट ट्यूशन, स्मगलिंग, जाली नोटों की छपाई, जुलूस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर गिराव, उत्सव कमिटी के लिए चंदा आदि सबके लिए ए ग्रेड सर्टिफिकेट है, सबके ऊपर मुख्यमंत्री का सिफारसी लेटर है, तो आपके पास क्या मुझे नौकरी मिले? तो ये ऐसे तो आप कह सकते हैं कि शैतान की कल्पना है, लेकिन शैतान कैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में दाखिल हो गया है आज इसका जिक्र किया गया। दरअसल यही सब शैतान है, उसी के नाम चिट्ठी है, उसी के साथ काम किए। तो ये मतलब एक तरह से कहिए कि मैंने कहा कि चार पांच बिंदु और फिर कैसे कविता संभव हुई है, मेरा ख्याल है समय बड़ी वाला हो। तो बस एक दो बात और कहकर खत्म करता हूं। अगर आप पूरा जो मैंने कहा कि दो संग्रह आप अगर पढ़ें, तो एक तो पता चलता है कि संसार कविता संसार बहुत व्यापक है, उसमें परंपरा की गूंज भी है, और जो समकालीन जीवन है उसका तेवर, उसका सामना करने की चाहत और बेचैनी भी है। चाहत बहुतों में होती है, बेचैनी बहुत कम लोगों में होती है। आधुनिक मन की तर्कशीलता, परंपरा का आलोचनात्मक मूल्यांकन, यथार्थ का दमखम के साथ साक्षात्कार, अपनी जिंदगी की लघुता का एहसास, प्रेम का बौद्धिकता के साथ स्वीकार, अपनी कामना को लेकर अकुंठ भाव और साधारण मनुष्य की शक्ति में अगाध भरोसा इन कविताओं की विशेषता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर यह सत्र समाप्त होता है, इसके बाद अगला सत्र